अकोला में जहां एक ओर दीपावली का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया तो वहीं कुछ और कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। फरियादी शेख इमरान ने पुलिस में शिकायत की है कि जब मैं लोनार से अकोला जा रहा था तभी किराना मार्केट के सामने वृद्ध दंपत्ति गाड़ी से पीछे टकरा गए। इस दौरान कुछ युवकों ने मेरे साथ मारपीट की है और पर्स छीनकर वैन को आग लगा दी। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। मेरे फैमिली में लेकिन मैं बालापुर से करने से आ रहा था तो बीमार दराज महिला और बुजुर्ग थे, पीछे के साइड से मेरे गाड़ी को धक्का लग गया। मैंने गाड़ी निकाल दी बैठाने के लिए, दोनों को मेरे गाड़ी में बैठाया दवाखाने में लाने के लिए, तो शीशा ना वसा दालों ने मेरे को घेर डाले वहाँ पर। हम मेरे गाड़ी में से उनको उतारे, मैंने बोला क्या हुआ काका इनको ले जा रहा हूँ, नहीं बोले लेके मैं जो ऑटो में लेके बोला लेके जा रहा हूँ मैं ऑटो में नहीं फोर व्हीलर में, तो मेरे घर के लेडीज़ को भी गाला गलौज करे। तो मैं नहीं जूता, मेरा पॉकेट वॉलेट सब छीन ले, वॉलेट में 30,000 रुपये थे मेरे, वॉलेट दे दिए मेरे को मारे, मोबाइल छीन ले, मोबाइल और शादी ला के दिए और गाड़ी मेरी वहाँ पर चटा दी और गाला गलौज करे बांडू ले जा बोली।